बता रहे थे यूज ऑफ डाइमेंशनल इक्वेशन और बताया था कि डाइमेंशनल इक्वेशन के प्रमुख चार उपयोग हैं, जिसमें से पहला उपयोग था टू गेट दी यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, किसी भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त करना, जो बता चुके हैं। कल बताए थे नंबर दू टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ ए फिजिकल रिलेशन, किसी भौतिक संबंध के सत्यता की जांच करना। और आज तीसरा बता रहे हैं टू गेट द रिलेशन बिटवीन टू और मोर देन टू फिजिकल क्वांटिटीज, दो या दो से अधिक भौतिक राशियों में संबंध प्राप्त करना। तब इसमें क्या है, इसमें ऐसा है कि कल बताया था कि कोई फॉर्मूला आपने लिखा हुआ है और आपको उस पर कंफ्यूजन हो रहा है, कभी लग रहा है आपको कि ये फॉर्मूला सही है, कभी लग रहा है कि ये फॉर्मूला गलत है। तो हमने कहा हुआ था कि यहाँ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दिए गए फॉर्मूला के दोनों पक्षों की राशियों का बीमा रखकर सिंप्लीफाई कर दिया जाता है। यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है तो फॉर्मूला सही है, और बराबर नहीं है तो फॉर्मूला गलत है। तो अगर फॉर्मूला आपने जांचा, परीक्षा में बैठे हुए हैं और जांचा कि ये फॉर्मूला गलत है, जांच से पता चला कि ये फॉर्मूला गलत है, तो केवल इतना ही जान जाने से तो काम नहीं चलेगा कि ये फॉर्मूला गलत है, बल्कि आपको सही फॉर्मूला चाहिए भी। तो वहाँ पर तुरंत आप सही फॉर्मूला निकाल भी लेंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको लगता है कि परीक्षा में इतना टाइम लगाएंगे फॉर्मूला जांचने में और फिर इसको निकालने में, तो हमारा पूरा टाइम चला जाएगा। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। बात ऐसी है कि अभी आप सीख रहे हैं, मन घबरा रहा है, लंबा चौड़ा लग रहा है, दिमाग में बैठ नहीं रहा है, लेकिन जिस दिन आप स्मार्ट हो जाइएगा, एक महीना के अंदर अंदर आप स्मार्ट हो जाइएगा, और ये आपको जब जान जाइएगा, स्मार्ट होने के बाद आप उंगली पर जांच लीजिएगा और उंगली पर निकाल लीजिएगा। इसलिए अभी आपको भले ही ये कुछ लग रहा है, लेकिन ये है कुछ नहीं। जैसे कि कल एक फॉर्मूला एग्जाम्पल में दिया था, टी इज इक्वल टू द टू पाई एम अंडर रूट एल बटा जी, और इसको जांचा था आपने, तो ये टी का तो डायमेंशन टी रखा था, टू पाई कांस्टेंट है छोड़ दिया था, एम का डायमेंशन तो कैपिटल एम हो गया, एल का डायमेंशन तो कैपिटल एल हो गया, और ये जी तो एक्सीलरेशन है, इसका एल टी का पावर माइनस दो हो गया था, इम्प्लाई दैट टी बराबर एम, और ये हो गया था वन बटा टी पर पावर माइनस दो, क्योंकि एल से एल हट गया था। फिर आपने कहा था कि इम्प्लाई दैट टी बराबर एम, और टी को बटा कर नीचे से ऊपर भेज दिया था, तो टी पर पावर माइनस दो हो गया था, टी बराबर अंडर रूट निकाल देने पर एम्प्टी हो गया था। तो फिर आपने कहा था कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, और फिर कहा था कि इसलिए टी बराबर टू पाई एम अंडर रूट एल बटा जी इज नॉट ट्रू, कहा था कि ये सही नहीं है। अगर ये फॉर्मूला सही नहीं है तो केवल इतना जान लेने से काम नहीं ना चलेगा कि ये फॉर्मूला सही नहीं है, बल्कि आपको
सही फॉर्मूला चाहिए भी, तो ये तीसरा नंबर इसीलिए बताया जा रहा है कि आप सही फॉर्मूला निकाल लें। कैसे सही फॉर्मूला निकालेंगे यही सिखा रहे हैं। एग्जाम्पल में नंबर ई दे रहे हैं कि दी टाइम टी इज डिपेंड अपॉन दी मास एम लेंथ एल एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम व्हेन कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 2π। इस क्वेश्चन को यदि हिंदी में लिखना चाहते हैं तो लिख लें। बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर ए, समय टी छोटा टी यदि निर्भर करता है, यदि निर्भर करता है द्रव्यमान एम छोटा एम, द्रव्यमान एम कौमा लंबाई एल छोटा एल और गुरुत्वीय त्वरण जी पर छोटा जी जी पर, तो इनमें संबंध प्राप्त करें, जब नियतांक का मान टू पाई है, तो अब चलिए इसको सीखा जाए। इस क्वेश्चन में देखिए कि दो भाग है, एक है जो निर्भर करता है और शेष जो है उस पर निर्भर करता है। जैसे कि कह रहा है टी निर्भर करता है, तो निर्भर करना को फिजिक्स में भैरीज लिखिए अर्थात समानुपाती लिखिए। तो क्या कह रहे हैं कि टी निर्भर करता है, तो लिखेंगे कि टी भायरीज, टी निर्भर करता है को लिख दिया भायरीज समानुपाती। टी निर्भर करता है किस पर, एम पर, एल पर और जी पर, तो लिख दीजिए जितना भी दे सबको गुना में लिखिए, एम इंटू एल इंटू जी,
इसका अर्थ हो गया कि टी निर्भर करता है द्रव्यमान एम पर, लंबाई एल पर, गुरुत्वीय त्वरण जी पर। अब क्या है कि इसका पावर अपने मन ने ए बी सी कर दीजिए, अपने मन से। तो एम पर पावर ए, एल पर पावर बी, जी पर पावर सी। अगर तीन है तो ए बी सी, दो है तो एक का पावर ए दूसरे का बी, एक है तो एक का पावर ए। तो टी भायरीज एम पर पावर ए, एल पर पावर बी, जी पर पावर सी। पहला काम तो आपने ये किया कि जो निर्भर करता है यानी टी निर्भर करता है, तो टी निर्भर करना को समानुपाती से लिख दिया, भैरी से लिख दिया। आज जितना पर निर्भर करता है इसमें एम एल जी पर निर्भर करता है, सबको समानुपाती के दाहिने गुना में लिख दिया और उसका पावर अपने मन ने ए बी सी कर दिया। अब क्या है कि इम्प्लाई दैट टी समानुपाती को बराबर में तोड़ेंगे। तो समानुपाती को बराबर में तोड़ते हैं तो बराबर भी आता है और कोई एक नियतांक भी आता है। तो अगर क्वेश्चन में नियतांक दिया हुआ है तो वही नियतांक ले आएंगे, नहीं दिया हुआ है तो कोई नियतांक ले आ देंगे, के ले आ देंगे, के ले आ देंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर के नहीं ला सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में टू पाई दिया हुआ है। हमने कहा कि नियतांक का मान नहीं दिया हो तो यहाँ पर के ले आएंगे, और दिया है तो वही ले आएंगे जो दिया है। तो ये समानुपाती के बदला में बराबर और एक नियतांक, नियतांक के बदला में टू पाई, और बाकी तो उतर जाएगा। एल पर पावर ए, ये नहीं, एम पर पावर ए, एल पर पावर बी, जी पर पावर सी। इसको इक्वेशन नंबर वन मान लीजिए। अब दोनों पक्षों के राशियों का डायमेंशन रखें, बीमा रखें जो आप जानते हैं। तो क्या इम्प्लाई दैट टी, टी टाइम है, साफ लिखा हुआ है दी टाइम, टी टी टाइम है तो टाइम का तो कैपिटल टी, टू पाई तो कांस्टेंट है छोड़ देंगे, एम एम मास है और इसका डायमेंशन कैपिटल एम, पर पावर ए एल लेंथ है, लंबाई है और इसका डायमेंशन कैपिटल एल, जी एक्सीलरेशन है, त्वरण है और इसका डायमेंशन आप लोग जानते हैं एल टी पर पावर माइनस दू, और इसका पावर है सी, तो होल पर पावर हो गया सी। इम्प्लाई दैट, सिंप्लीफाई कीजिए तो टी बराबर एम पर पावर ए इंटू एल पर पावर बी इंटू एल पर पावर है होल सी है। अगर लिखे हो ए बी होल स्क्वायर तब तो लिखेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसी तरह से एल टी पर पावर माइनस टू होल सी, तो एल पर पावर सी इंटू टी पर पावर माइनस टू सी माइनस टू सी। इम्प्लाई दैट टी इज इक्वल टू दी एम पर पावर ए इंटू एल, और एल गुना कर देंगे तो एल पर पावर, जब गुना करते हैं तो पावर आपस में जुड़ जाता है, बी प्लस सी इंटू टी पर पावर माइनस टू सी। फ्रॉम फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी
समघातता के सिद्धांत से हम पाते हैं कि, और आपको याद होगा कल परसों समघातता का सिद्धांत बताया था कि दोनों पक्षों के समान राशियों का घात आपस में बराबर होते हैं। अर्थात आपको याद होगा कि हमने लिखा था एम पर पावर ए, एल पर पावर बी, टी पर पावर सी बराबर एम पर पावर माइनस वन, एल पर पावर तीन, टी पर पावर माइनस दो हो। तो क्या कहा था कि बावे के एम का पावर दाहिने के एम का पावर बराबर ए बराबर माइनस वन, बावे के एल का पावर और दाहिने का एल का पावर बराबर बी बराबर तीन, बावे के टी का पावर और दाहिने के टी का बराबर सी पर पावर सी बराबर माइनस दो। इसी तरह से और भी एग्जाम्पल दिया था आपको कि एम पर पावर ए, एल पर पावर बी, टी पर पावर सी बराबर एल टी पर पावर माइनस दो। तो एम पर पावर ए और दाहिने में एम नहीं है तो ए बराबर जीरो, एल पर पावर बी, एल पर पावर वन, बी बराबर वन, और टी पर पावर सी, टी पर पावर माइनस दो, सी बराबर माइनस दो। तो इसी प्रकार से वही यहाँ पर लागू करना है कि एम पर पावर ए और बावे बगल एम नहीं है तो नहीं है, एम पर पावर ए और बावे बगल एम नहीं है तो ए बराबर हो गया जीरो। फिर क्या है कि एल पर पावर बी प्लस सी और बावे बगल एल नहीं है तो बी प्लस सी बराबर जीरो। और क्या है टी बराबर माइनस टी पर पावर माइनस टू सी और टी का पावर कुछ नहीं है का मतलब वन है, तो हो गया कि आपको इसलिए सी बराबर माइनस एक बटा दो। और बी प्लस सी बराबर जीरो इसलिए बी बराबर माइनस सी, इसलिए बी बराबर माइनस सी के बदला में माइनस एक बटा दो। तो क्या हो गया कि इसलिए बी बराबर माइनस माइनस प्लस एक बटा दो। तो ये ए बी और सी का मान निकल गया तो लिखेंगे कि पुट ए बराबर जीरो, बी बराबर एक बटा दो एंड सी बराबर माइनस एक बटा दो इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। समीकरण एक में ए के बदला में जीरो, बी के बदला में एक बटा दो और सी के बदला में माइनस एक बटा दो रखने पर हम पाते हैं कि क्या टी बराबर टू पाई एम पर पावर ए के बदला में जीरो, एल पर पावर बी के बदला में एक बटा दो इंटू जी पर पावर सी के बदला में माइनस एक बटा दो बराबर टू पाई एम पर पावर जीरो, किसी भी चीज पर पावर जीरो वन के बराबर होता है तो टू पाई इंटू एम पर पावर जीरो के बदला में वन, इंटू एल पर पावर एक बटा दो बटा है जी को नीचे भेज दे बटा के, तो इसका पावर माइनस में है प्लस में हो जाएगा जी पर पावर एक बटा दो बराबर टू पाई में वन से गुना कर दिया टू पाई, और है एल पर पावर एक बटा दो जी पर पावर एक बटा दो तो एल बटा जी होल पर पावर एक बटा दो, और एक बटा दो को तो अंडर रूट लिखते हैं इसलिए टी बराबर टू पाई
अंडर रूट एक बटा दू के बदला में अंडर रूट एल बटा जी, यही आपको सही फॉर्मूला हो गया। तो इस मेथड से केवल सही फॉर्मूला ही नहीं प्राप्त होता, बल्कि फॉर्मूला में अगर कोई चीज़ आप प्रॉक्सी कर दिए हैं, यानी कुछ बढ़ा दिए हैं और कुछ घटा दिए हैं, तो उसको भी ये हटा लेता है या जोड़ लेता है। जैसे ये आपने साबित किया था, ये जांचा था फॉर्मूला को, तो आया कि ये फॉर्मूला गलत है। जबकि ये क्वेश्चन देखिए, यही क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, इसमें टी है, इस क्वेश्चन में भी टी है, इसमें टू पाई है, इस क्वेश्चन में भी टू पाई है, इसमें एम है, इस क्वेश्चन में भी एम है, इसमें एल है, इस क्वेश्चन में भी एल है, इसमें जी है, इस क्वेश्चन में भी जी है। यानी जो मटेरियल टी टू पाई एम एल जी जितना है सब इसमें दिए हैं, अर्थात इसी को ये जब गलत साबित हो गया तो ये जानना चाहते हैं कि सही फॉर्मूला क्या होगा। तो आप देखिए कि सब कुछ लेकर के चले, इसमें टी है, टी है तो इसमें भी टी लिया, एम है तो इसमें भी एम लिया, एल है तो इसमें भी एल लिया, जी है तो इसमें भी जी लिया, टू पाई है तो इसमें भी टू पाई लिया। और ले करके आगे बढ़े, जब आगे बढ़े तो एम बेचारा तो एकदम से आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, एम आ रहा था, यहाँ भी एम आया, लेकिन यहाँ पर पहुँचते पहुँचते ये मेथड ही एम को दूध के मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया और फेंक के सही फॉर्मूला दे दिया। यानी इस फॉर्मूला में हम लोगों ने एम बढ़ा दिया था और जब इसको बनाना शुरू करे तो ये निकाल करके फेंक दिया, और देखिए कि वो टू पाई एम अंडर रूट एल बटा जी था, और ये हो गया टू पाई अंडर रूट एल बटा जी। यानी पता नहीं एम को उठा के कहाँ फेंक दिया और सही फॉर्मूला हमारे सामने रख दिया। इस प्रकार से अब हम आपको दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं, ये हटाया हमने और अब दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर बी, इफ दी वेलोसिटी भी इज डिपेंड अपॉन दी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी एंड हाइट एच, फाइंड दी रिलेशन बिटवीन देम, और हटाइए कॉन्स्टेंट का मान नहीं देते। क्वेश्चन लिखना हिंदी में चाहे तो लिख दीजिए,
यदि वेग भी निर्भर करता है गुरुत्वीय त्वरण जी छोटा जी और ऊंचाई एच पर छोटा है ऊंचाई एच पर तो इनमें संबंध प्राप्त करें क्या है अब जल्दी जल्दी आप भी बना सकते हैं कि भी निर्भर करता है जी पर और एच पर इंप्लाई दैट भी बराबर कोई कांस्टेंट आएगा यहाँ पर क्वेश्चन में कांस्टेंट पहले वाला में दिया था 2π अपनी नहीं दिया है तो के ले लिया इंटू जी पर पावर ए इंटू एच पर पावर बी इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों पक्षों के राशियों का बीमा रख दिया तो इम्प्लाई दैट भी वेलोसिटी वेग है एंटी पर पावर माइनस 1 के कांस्टेंट है छोड़ देंगे जी त्वरण है एंटी पर पावर माइनस 2 पर पावर ए एच ऊंचाई है का एल पर पावर बी इम्प्लाई दैट एल टी पर पावर माइनस 1 बराबर एल पर पावर ए एल पर पावर बी एल पर पावर ए प्लस बी इंटू टी पर पावर माइनस 2 फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी वी गेट एल पर पावर ए प्लस बी एल पर पावर 1 ए प्लस बी बराबर 1 टी पर पावर माइनस 2 ए टी पर पावर माइनस 1 तो माइनस 2 ए बराबर माइनस 1 माइनस माइनस कट गया इसलिए ए बराबर 1/2 ए प्लस बी बराबर 1 बी बराबर 1 - a इसलिए b बराबर 1 - a के बदला में 1/2 बराबर 1/2 तो क्या है कि पुट a बराबर b बराबर 1/2 यानी a का मान भी 1/2 और b का मान भी 1/2 इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट समीकरण 1 में a के बदला में 1/2 और b के बदला में 1/2 रखने पर b बराबर k इंटू g पर पावर 1/2 इंटू एच पर पावर 1/2 इंप्लाई दैट b बराबर k जी एच जी और एच को मिला दिया जी एच पर पावर 1/2 इंप्लाई दैट भी बराबर के अंडर रूट जी एच यही फॉर्मूला हो गया। अब आपको तीसरा एग्जाम्पल भी देना चाहते हैं और वो तीसरा एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं कि इफ दी वेलोसिटी भी इज डिपेंड अपॉन दी डिपेंड अपॉन दी प्रेशर
प्रेफर पी एंड देन सी टी डी देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन relation between them when constant is equal to one जब constant का मान एक है। हिंदी लिखना चाहे तो लिखे क्वेश्चन नंबर सी में एग्जाम्पल नंबर सी में वेग भी अंग्रेजी का भी वेग भी यदि निर्भर करता है दाब पी और घनत्व डी पर छोटा डी तो इनमें संबंध प्राप्त करें जब नियतांक का मान वन है आंसर में चलते हैं। भी निर्भर करता है दाब पी पर और घनत्व डी पर इंप्लाई दैट भी इज इक्वल टू कोई नियतांक लेकिन इसमें नियतांक का मान वन दिया हुआ है इंटू पी पर पावर ए इंटू डी पर पावर बी इक्वेशन नंबर वन दोनों पक्षों के राशियों का डायमेंशन इंप्लाई दैट एल टी पर पावर माइनस वन बराबर एम एल पर पावर माइनस वन टी पर पावर माइनस टू प्रेशर पी का हो गया इंटू घनत्व का हो गया एम एल पर पावर माइनस तीन पर पावर बी इंप्लाई दैट एल टी पर पावर माइनस वन बराबर एम पर पावर ए एम पर पावर बी गुना करेंगे एम पर पावर ए प्लस बी इंटू एल पर पावर माइनस ए एल पर पावर माइनस तीन बी एल पर पावर माइनस ए माइनस तीन बी इंटू टी पर पावर माइनस टू ए फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वी गेट तो एम पर पावर ए प्लस बी और बावे में एम नहीं है तो ए प्लस बी बराबर जीरो एल पर पावर माइनस ए माइनस तीन बी और बावे में एल का पावर वन और दाहिने में टी का पावर माइनस टू ए बावे में टी का पावर माइनस वन माइनस से माइनस कैंसिल इसलिए ए बराबर एक बटा दो। अब इसमें आ जाते हैं तो इसलिए बी बराबर माइनस ए इसलिए बी बराबर माइनस ए के बदला में एक बटा दो माइनस एक बटा दो। अब ए अब बी तो निकलना ही था ए यहाँ निकल गया बी यहाँ निकल गया यहाँ पर अब कोई मतलब नहीं है हमको तो पुट ए बराबर एक बटा दो एंड बी बराबर माइनस एक बटा दो इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट
वही गेट इक्वेशन फर्स्ट ये है भी बराबर पी पर पावर एक बटा दो इंटू डी पर पावर बी माइनस एक बटा दो इम्प्लाई दैट भी बराबर पी पर पावर एक बटा दो बटा डी पर पावर एक बटा दो माइनस एक बटा दो था नीचे भेज दिया प्लस एक बटा दो हो गया इम्प्लाई दैट भी बराबर पी बटा डी होल पर पावर एक बटा दो इम्प्लाई दैट भी बराबर अंडर रूट पी बाई डी यही आपको फॉर्मूला हो गया। तो ये तीन एग्जाम्पल दिया, तीनों एग्जाम्पल बना लीजिए और कुछ हम आप लोगों को दे देते हैं, वो क्या कहते हैं होमवर्क, उसको भी बनाइएगा, इसको समझ के नोट्स भी आपके पास है, नोट्स में भी ये सब एग्जाम्पल होगा वो देखिएगा और ये आगे जो दे रहे हैं वो बनाइएगा। इफ द वेलोसिटी भी इज डिपेंड अपॉन दी हटाइए इसको, इफ दी वेलोसिटी भी इज डिपेंड अपॉन दी कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा रेडियस आर एंड डेंसिटी डी फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। हिंदी लिखना चाहे तो लिख ले, थोड़ा तेज लिखे। वेग भी यदि निर्भर करता है दाब यदि निर्भर करता है श्यानता गुणांक आधा तालव्य सौ या नौता श्यानता गुणांक ईटा छोटा एन ईटा कौमा त्रिज्या आर छोटा आर और घनत्व डी पर, तो इनमें संबंध प्राप्त करें ये क्वेश्चन नंबर डी हो गया। अब आप जो है क्वेश्चन नंबर ई लिखिए। इफ फोर्स एफ इज डिपेंड अपॉन दी रेडियस आर वेलोसिटी भी एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा देन फाइंड दी रिलेशन बिटवीन
them when constant is equal to 6 pi. हिंदी लिखिए बल एफ यदि निर्भर करता है त्रिज्या आर वेग भी और श्यानता गुणांक ईटा पर तो इनमें संबंध प्राप्त करें जब नियतांक का मान 6 pi है। एक और लिख लीजिए एफ इफ दी वैल्यू इफ दी वॉल्यूम पर सेकेंड भी इज डिपेंड अपॉन दी प्रेशर पी लेंथ एल रेडियस आर एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम व्हेन कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू पाई बाई एट। हिंदी में लिखना चाहें तो लिखें आयतन प्रति सेकेंड भी यदि निर्भर करता है दाब पी लंबाई एल त्रिज्या आर और श्यानता गुणांक ईटा पर तो इनमें संबंध प्राप्त करें जब नियतांक का मान 8 है बस रहने दीजिए।